करना है जितना हमारे से हो सकना है, रमजान तक तो पक्का लगाएगा इंशाल्लाह। और देखा नाजरीन आप सुन रहे हैं अनवर खान, ठीक है जी। अजकल इस महंगाई ने दौर में इन्हें एक बहुत ही रिलीफ समझो दिता कि पिंड के माल आने से फिर इतने आके जड़ा ना सेल से बेचने इन्हें को पुछता कि इन्हें तकरीबन भी हर सब्जी किलो ना किलो के हिसाब लाया वा उस हिसाब ना जड़ा ना सब कुछ नहीं तक बाकी इन्हें को जबरदस्त किस्म का फ्रूट भी है हर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, इससे मेरी सपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम आखने ते खुश हमदेद आखने सारे तकड़े वाले की अल्लाह ताला सारे की सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए ते अपनी इज़्ज़ो अमान अता फरमाए। मैं इस टाइम मौजूद हाँ खादमाबाद बाजार से तकड़े पे सामने के सब्जी वाली शॉप है माशाल्लाह जनाब अनवर खान साहब बजोड़ी सब्जी फ्रूट शॉप तो दुकान है ते अज असा इन्हों को आए हुए हैं इंशाल्लाह ताला तुसा की भी नाल मुलाकात भी करा सा ते इन्हें चूंकि गरीब आवाम वास्ते जड़ा ना गरीब के हर खास आवाम वास्ते ना सब्जियां जड़ा ना तकरीबन सारी सब्जियां जड़ियां ना सेल लाई भी इन्होंने ते तुसा तकी भी सकदे हो कि गड्डी भी इन्हें माशाल्लाह लोड करके आंदी भी अज ही आई गड्डी ते पुछने आ कि भाई इन्हें केड़ी केड़ी सब्जियां जड़ियां के ना सेल लाई भी सिर्फ सब्जियां ही हैं या होर कोई फ्रूट वगैरह भी है उस हवाले नाल उन्हें नाल गलबात कर सां ते रहया साडे नाल वीडियो नाल बने रहे वीडियो की लाइक शेयर कमेंट करके दस्या कि तुसी की वीडियो कैसी लगी ते नाल नाल अगर चैनल ते नवे हो ते चैनल को सब्सक्राइब करी छोड़े हुण जुलने अनवर खान साहब को उस के माल भी अनलोडिंग करने पैन ते तुसी तक ही सकदे हो कि नवा माल जेड़ा ने अनलोड होना दा ठीक है जी। ते अजकल इस महंगाई ने दौर विच इना एक बहुत ही रिलीफ समझो दिता कि पिंड के माल आने ते फिर इत्थे आके जेड़ा ना सेल ते बेचने इन्हें को पुछता कि इन्हें तकरीबन भी हर सब्जी किलो ना किलो के हिसाब लाया वा उस हिसाब ना जड़ा ना सब कुछ नहीं तक बाकी इन्हें को जबरदस्त किस्म का फ्रूट भी है हर तकरीबन तो सतक ही सकने हो कि इन्हें को काफ़ी मतलब कि फ्रूट ने हिसाब ना भी केला है सेब है अमरूद है माल्टे मौसमी है ते अनार इन्हें को मौजूद हैं अंगूर को नजर रखना था ठीक है जी। इस हवाले ना भी इन्होंने गल करता तो सब तो पहले मिलने जनाब अनवर खान जी भाई ठीक हो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अनवर भाई क्या हाल है आपके ठीक है क्या ठीक थोड़ा नीचे आ जाए ना ठीक ताकि आपके साथ बातचीत करें। अनवर भाई ठीक है आप सेहत तबीयत ठीक है आपकी ठीक है माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है कि आपने खादमाबाद और गिरदनवा में जितने भी गाँव हैं उनके लिए एक ये रिलीफ दिया है यानी कि उनको एक क्या कहते हैं अपनी तरफ से कोशिश की है कि गरीब आवाम को थोड़ा सा वो कम कीमत में सब्जी वगैरह मतलब जो आम जिंदगी में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो थोड़ी कम कीमत में मिले तो बड़ी खुशी हुई है माशाल्लाह। तो इसको कम से कम कितने दिन हो गए हैं कि आप ये चीज़ें सेल में लगा रहे हैं? इसने हो गया तकरीबन 25-26 दिन हो गया ना 25-26 दिन से आप ये मुसलसल ये यानी सेल चला रहे हैं तो अनवर खान भाई आप हमें ये बताएंगे कि ये जितनी भी सब्जियां पड़ी हैं ये सारी पे सेल है या कुछ सब्जियों पे है? ना ना माशाल्लाह सारे पर सेल है। तो सेल से मतलब क्या है कि जैसे आप जितने भी देख रहे हैं कि ये गोभी पड़ी हुई है माशाल्लाह जी बिल्कुल तो गोभी का क्या हिसाब है कि ये किलो का हिसाब है या धड़ी के हिसाब से? सारा सब्जी सौने दो दो किलो है दो किलो गोभी हो किलो करना है दो किलो करना है पांच किलो करना है एक ही रेट लगना है। अच्छा सौ ने दो दो किलो सौ ने दो किलो दो किलो यानी कि अगर आप गोभी लेंगे तो सौ के दो किलो, किलो आपको मिलेंगे और खीरा लेंगे तो खीरा टेंडा एक और मटर त्रे चीजें डेढ़ सौ ने दो किलो है डेढ़ सौ ने दो किलो बाकी सब दो सौ ने दो किलो सौ ने दो किलो इसमें सिर्फ सब्जी है या फ्रूट वगैरह भी है? फ्रूट भी रेट माशाल्लाह कम है सारा फ्रूट भी मतलब तो बहुत रेली है लेकिन सब्जी बस सेल है। तो माशाल्लाह ये आप अभी गाड़ी है देख रहे थे कि आप सामान भी उतार रहे थे तो ये आप आज ही लाए हैं? आज ही लाया। किधर से लाए हैं आप? इस्लामाबाद मंडी से। इस्लामाबाद पिंडी है बड़ी मंडी से आप लेके आए? जी बिल्कुल तो उधर से लाते हैं हम रोज ताज़ा ताज़ा सब्जी लाता है रोज गड्डी जाता है। अल्लाह ताला आपकी आपको बरकत अता फरमाए इस काम बेशक के आपका कारोबार भी है लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से देने का अपना तरफ से पूरा कोशिश यही करना है कि हमारा तरफ से जितना भी हो सकना है हम करना है रिलीफ दे रहे हैं रिलीफ देगा। तो ये माशाल्लाह भाई हैं अनवर खान साहब के छोटे भाई हैं अब्दुल भाई साहब
ये मतलब है कि अनवर भाई तो लाते हैं, तो ये जो है ना ज्यादातर इधर मतलब है कि दुकानदारी करते हैं, आगे सामान वगैरह देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि मटर हैं, गाजरे हैं, आगे मिर्चें पड़ी हैं, और दूसरी तरफ देखें तो सामने अचार वाली मिर्चें भी हैं, टिंडे हैं, ये बैंगन है और शलजम है, बंद गोभी है, वो सामने चुकंदर भी पड़ी है। अब वो सेल में है, यानी ये सेल में है, सब सेल में है, सेल में है। कद्दू शरीफ पड़े हैं, अदरक है, टमाटर हैं, खीरे हैं। तो एक तो एक सेल है, ऊपर से ये बात है कि आपको ये फ्रेश फ्रेश चीजें जो है ना यहाँ दस्तियाब होंगी। आप आए खाजमाबाद में, आए तो खाजमाबाद में जो है ना बजोड़ी सब्जी एंड फ्रूट शॉप है इनकी, माशाल्लाह काफी बड़ी है। तो यहाँ जो है ना आपको सब्जी और फ्रूट, सब्जी होलसेल पे मिलेगी और फ्रूट नहायत ही जायज रेटों पे आपको मिलेगा। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं जितना हमारे से हो सकना है, रमजान तक तो पक्का लगाएगा इंशाल्लाह। और देखा नाजरीन, आप सुन रहे हैं अनवर खान की बातें कि ये अभी रमजान शरीफ तक जो है ना ये सब्जी वगैरह की रिलीफ है आवाम को, क्योंकि रमजान शरीफ में फ्रूट का ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये इनका कहना है, आप सुन रहे हैं कि भाई रमजान शरीफ में जो है ना ये फ्रूट का रिलीफ देंगे। अल्लाह ताला इन सब भाइयों को बरकतें अता फरमाए और आपस में मिलजुल कर इत्तेफाक से कारोबार करने की तौफीक अता फरमाए। ये आप देखते हैं कि काफी सटाक है इनके पास। तो आगे मैं फ्रूट दिखा रहा था तो उसमें अंगूर नहीं दिखाए थे, तो अंगूर भी है, फ्रूट गड्डी में पड़ा है, ताजा फ्रूट जड़ा पे आया ना, ताजा फ्रूट भी माशाल्लाह काफी मिकदार में लाए हुए हैं। तो अवाम में इलाका और या इधर से आगे कंडोर, बटली, छत्रो या इस तरह के जितने भी इलाके हैं, वो मोड़ा मलका, ये सब मतलब है कि यूनियन काउंसिल अंडर में आ जाते हैं, यूनियन काउंसिल छत्रो सियाख जिधर से भी आए तो यहाँ से जो है सस्ती सब्जी लेके जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और आप इंशाल्लाह ताला तआवुन करेंगे और अपने पैसे जो है ना वो सेव करेंगे, महफूज करेंगे। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला। उस टाइम तक दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह नेकबान।